तो बहुत हो गया, अब बड़े होके बनेगा क्या ये तो बताओ। भाई मैं तो डॉक्टर बनूंगा। या मेरा तो पक्का, मैं तो पायलट ही बनूंगा। अरे तू क्या बनेगा? मैं बनूंगा बॉडी बिल्डर। अच्छा बॉडी बिल्डर। आप क्या बनोगे? मैं पुलिस बनूंगी। अच्छा पुलिस बनेगी। हाँ भाई आने के 22 साल का हो गया। कुछ भविष्य के बारे में भी सोचा? करूँगा ना पापा। क्या? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग से क्या होगा? नाम भी होगा, काम भी होगा और पैसा भी मिलेगा। रातों रात स्टार बन जाऊंगा बस। देख भाई बात सुन, हमें तो ये समझ है नहीं, अब मैं हो गया रिटायर, अब तू जाना तेरा काम जाना। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, देखना आप। हाँ बिल के पैसे तो मैंने आने को दिए थे भाई, चलो पूछता हूँ उससे। भाई ये लड़का भी ना, या तो खाता मिलेगा, या सोता हुआ मिलेगा, या जिम में मिलेगा। इसका सोना देख लो, सोफे पे सो रहा। अरे कम से कम बेड पे तो सो जा जाके। यार ये आने की इतनी अच्छी बॉडी है, ये कंपटीशन क्यों नहीं खेल लेता? यार देख तो मैं भी हूँ, और इसके जैसे बॉडी ना आसपास भी नहीं हमारे जिम के। एक बार बात करते हैं इसे, दिल्ली में ना भी शेरू क्लासिक भी आ रहा है, अगर ये खेलेगा ना और अगर जीत गया तो हमारे जिम का नाम भी बहुत रोशन होगा। बिल्कुल होगा भाई, चल आनिक से बात करते हैं एक बार। आनिक यार ये बता, तेरी इतनी अच्छी बॉडी है यार, और दिल्ली में कॉम्पिटिशन भी होने वाला है शेरू क्लासिक, तो तू ट्राई क्यों नहीं करता यार कॉम्पिटिशन खेलने की? भाई खेलने का मन किसका नहीं करता, मेरा भी करता है, लेकिन खेलने के लिए पैसे लगते हैं और मेरे पास कोई काम नहीं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? यार ये तो समस्या मैं तेरी समझ गया, तू एक काम कर, पैसे की टेंशन मत ले, मुझसे जितना एफर्ट्स होगा ना मैं करूंगा। भाई मैं थोड़ा खुदगर्ज आदमी हूं, ऐसे पैसे नहीं लेता। अरे आनिक भाई तू खेल ना, जितना हमसे होगा हम करेंगे सपोर्ट, और जीतने के बाद ब्याज समेत हमें पूरे पैसे वापस दे दियो। तू लेकिन खेल, ट्राई कर तू। ठीक है खेल नहीं, जीत ले। जीतेगा तो पक्का जीतेगा, कर। पापा आपने मुझे बोला था ना क्या करना है, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे बड़ा आदमी बनना है, फेमस होना है, पैसे कमाने हैं, इसके लिए मैं करूंगा बॉडी बिल्डिंग। और अब दिल्ली में हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, मैं उसे खेल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे पैसे चाहिए। देख भाई मानेगा तो है नहीं, करेगा तो अपने मन की, लेकिन मेरे पास मकान लेने के बाद में इतने ही पैसे हैं, या तो मैं उनको सेविंग कर लूँ बुरे वक्त के लिए, या तुझे दे दूँ। पेंशन में तो सिर्फ घर का खर्चा चलता है। पापा मुझे चाहिए पैसे। नहीं मानता, दे दे भाई इसको, और क्या। I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. अरे अनिक कैसे परेशान हो रहा है यार, क्यों मुंह लटकाया हुआ है यार? क्या बात,
यार अब तो तेरा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में नजदीक आ रहा है जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है, और तेरी बॉडी भी तैयार है, तेरे जैसी बॉडी किसी की नहीं मिलेगी, टेंशन मत ले। यार शो जीतना ठीक है, बॉडी भी बन गई, खेल भी लूंगा, लेकिन यार अब शो से 4 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 25,000 रुपए, वो भी एक कैटेगरी के, 4,000 रुपए एनपीसी की फीस, 10,000 रुपए ट्रेनिंग के लिए, और आने जाने खाने का खर्चा अलग से, यानी ये 50,000 रुपए शो खेलने के लिए कहाँ से लाऊं? देख यार मेरे पास जो पैसे थे मैं पहले दे चुका हूँ, अब तुझे और पैसे देने के लिए मुझे भी ब्याज पैसे लेने पड़ेंगे, लेकिन मुझे ये भरोसा है तू जीतेगा जरूर, तो तू कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेरे पैसे लौटा जरूर देगा, तो तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं ब्याज पे लेता हूँ पैसे और तेरे को देता हूँ, तो अपनी तैयारी पे फोकस रख, ठीक है, टेंशन मत ले। थैंक यू। क्या हो गया आपके? क्या हो गया? आनी को बुलाऊं मैं? आनी नहीं, आनी को, आनी को कपड़े देना, उधर आनी को बुलाऊं, आनी को बुलाऊं। हेलो मोहित बेटा, एक बार घर आ जा, तू तेरे अंकल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है बेटा, जल्दी आनिक भी आ जा, घर पे नहीं है, उसका कंपटीशन है बेटा, जल्दी आ जा घर। अंडी घबराओ मत, घबराओ मत, बस अभी लेके जा रहे, चलो जल्दी जल्दी। नमस्कार बाबू, कैसे हो? माता जी इनकी ना सर्जरी करनी पड़ेगी, पैसों का इंतजाम कर लो और रिसेप्शन पर पेमेंट जमा करवा दो, ठीक है? अब पैसों का कैसे करूँ, आने कोई बुलाना पड़ेगा फोन करके। आंटी क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा बेटा पैसों का इंतजाम कर लो, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आंटी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, जो भी हमारे पास पैसे थे हमने वो आने के कंपटीशन की तैयारी में पहले ही दे दिए, बल्कि हमने तो ब्याज पे लेके दे रखे हैं आने को पैसे। करो बेटा कुछ भी करो, आने को बुलाओ। ठीक है आंटी, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, आप ध्यान रखिए। मम्मी क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला सर्जरी होएगी उनकी। आप परेशान मत, मैं बात करता हूँ। सर कैसे हैं फादर? बेटा फादर की आपकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी जितना जल्दी हो सके इम्पोर्टेंट सर्जरी करनी पड़ेगी, उसमें खून भी लगेगा और जितना जल्दी हो सके, और सर्जरी में करीब 50,000 के आसपास खर्चा है। सर मैं अभी एशिया का नंबर वन कंपटीशन क्लास में सिल्वर मेडल मिला सर, आप ये रख लो। बेटा ये बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए बहुत रिस्पेक्ट की चीज़ है और अच्छी चीज़ है जो आपने करी है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल सिस्टम है, कई डॉक्टर्स को हमें बाहर से बुलाना पड़ता है, उनको इमीडिएट कैश पेमेंट देना पड़ता है, बेहोशी के डॉक्टर हैं, मेडिसन्स हैं जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती हैं वो फिर हमें कैश में ही करना पड़ता है, तो इसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके उतना करिए, ठीक है?
सो गाइज ये जो वीडियो थी ना इसमें आप किरदार मानो मेरा, लेकिन ये एक आम बच्चे की कहानी है। अभी जब ये अपने दोस्तों को दोबारा पूछेगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो वो दोस्त भी कहां से ला के देंगे। तो इस वीडियो का जो पूरा निचोड़ है मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो को आप नेगेटिव नहीं लेंगे, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा क्या है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था जीतने के बाद, तब पिताजी वहां पे एडमिट थे, तो मैं और राजवीर बैठे थे, तो मेरे हाथ में मेडल था। मैंने राजवीर से पूछा, भगवान ना करता अगर मैं इस स्थिति में ना हूं कि मैं पे कर सकूं इमरजेंसी का, या कोई भी ऐसी चीज हो, या कोई भी और बच्चा ऐसा हो, तब उसके मन पे क्या बीतेगी। अभी हमने बॉडी बिल्डिंग का एक पहलू देखा है जिसमें कुछ लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, लेकिन हमने वो बड़ा पहलू हमेशा मिस किया है जो मैं और राजवीर हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, आपको एक रियल फैक्ट बताते रहते हैं कि विनर्स तो देखो, लेकिन जो लाइफ में बॉडी बिल्डिंग करने के बाद एक बहुत बड़ा तबका है जो रोज स्ट्रगल कर रहा है वो भी देखो। अब अगर इस वीडियो के निचोड़ की मैं बात आपसे करूं, तो इस वीडियो में एक आम बच्चा है। अब रूबल को आप अपने दिमाग से निकाल दो, आप अपने बारे में सोचो जो भी बॉडी बिल्डिंग के फैन है। एक आम यूथ का बच्चा जो बहुत अच्छे जेनेटिक्स लिए हुए है या बहुत अच्छी फिजिक लिए हुए है, और उसको उसके दोस्त बोलते कि भाई तू कंपटीशन खेल, और बड़ा कंपटीशन खेल, तब वो तैयारी करता है और वो अपने दोस्तों से मदद लेता है, अपने परिवार जिसका जो मिडिल लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स छोटे घरों से ही आए हैं, और कोविड में आपने देखा भी होगा, मैं भी आम ही परिवार से हूं, ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। तो जब वो अपने परिवार से पैसे लेते हैं, अपने प्रियजनों से पैसे लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, कुछ चीजें गिरवी रख देते हैं, या किसी ऐसे हेल्प ले लेते हैं, या अपनी नौकरी पे लोन उठा लेते हैं, उसके बाद वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वो कंपटीशन खेलते हैं। कंपटीशन में अगर प्लेसिंग आई तो भी, और नहीं आई तो बहुत बुरा। अगर आई भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्राइज मनी नहीं है, और ऐसे में अगर दुर्घटना कुछ हो जाए, इवन आपके शरीर में, मेरे शरीर में कुछ दुर्घटना हो जाए, या उस आम बच्चे के शरीर में कोई स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मतलब एक तो पहले ही कर्जा, ऊपर से रिवर्ट में कुछ मिला नहीं, ऊपर से अगर बीमारी भी मिल गई तो वो कहां से संभाल पाएंगे, समझ रहे हो आप। तो किसी भी एक और चीज, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक पैशन है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर इसको आपको प्रोफेशन बनाना है तो आपको अपने आंख, कान और दिमाग खोल के ही इसको प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। अब बोलते हो कि भाई बहुत सारे लोग इससे पैसा बना रहे हैं, आपको नेम फेम मिलेगा। देखो, दिमाग पे जोर डालो, मेरी बात को बिल्कुल गलत मान लो, अपने दिमाग पे जोर डालो। शो में किसकी बात हो रही है? शेरू क्लासिक में, जिनका ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेम जिन्होंने बनाया है। आप बात कर रहे हो कि तरुण गिल क्यों नहीं आया, बिकॉज आप उनको जानते हो। रोहित खत्री की कौन सी प्लेसिंग आई? बिकॉज आप उनको जानते हो। रूबल धनखड़ ने क्या जीता क्या हारा, आप उसको जानते हो, तो आप कंपेयर उनसे कर रहे हो। इवन जब एक 18 साल का लड़का बॉडी बिल्डिंग करने आता है तो आप उसको नहीं जान रहे हो, तो रिकमेंडेशन कहां मिला। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर एथलीट को रिकमेंडेशन मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, सारी चीज मिलनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा आपकी सेट होनी चाहिए। कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आपके डिसीजन आपके परिवार पे आप थोपो, और आप अपने परिवार को ऐसी सिचुएशन में ले आओ जहां पे बॉडी बिल्डिंग बदनाम हो। तो अगर आप बोलोगे कि इसका अल्टरनेट क्या है, इसका अल्टरनेट एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, जिसमें बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, और आप कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे स्मार्ट मूव लगा कि आपको बड़े इवेंट से पहले छोटे इवेंट खेलना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में अभी हाल ही में बहुत सारे इवेंट हुए, मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था कि एक लड़का जो अमन क्लासिक जीता है, विवेक पवार, वो अमाउंट जीत के आता है, उससे अपना जिम खोलता है। एक लड़का निखिल जो बागपत से है और मैं उसको फॉलो भी करता हूं,
और वो आके दिल्ली में सारे इवेंट जीतता है लेकिन शेरू क्लासिक नहीं खेलता है बिकॉज वहां पे अमाउंट नहीं मिल रहा है उसके, यहाँ पे उसने 10-12 लाख रुपए इकट्ठे किए और अपनी वो रोजमर्रा की लाइफ में उसे यूज करेगा जो बॉडी पे लगाया, कम से कम रिवर्ट तो आया। तो स्मार्ट मूव करो, बॉडी बिल्डिंग करो। अभी आप बोलोगे कि मैं बॉडी बिल्डिंग के खिलाफ बोल रहा हूं, नहीं, मैं चाह रहा हूं अगर यूथ इसमें जा रहा है, इसको बाय प्रोफेशन इसको अपनाना चाह रहा है, तो स्मार्ट मूव की तरह कि उससे उसके हेल्थी ऑर्गन भी हेल्थी रहे, फैमिली पे प्रेशर ना आए और स्टेप बाय स्टेप वो सीखे। इवन कल मेरे पास अलेन आया था तो अलेन ने एक शो खेला था तो वो बोला कि भैया 10,000 रुपए जब मैंने दिए मुझे लगा भाई मेरे को नहीं करनी है, मतलब इतना लोड पड़ता है फैमिली पे। और ये एक आदमी की कहानी नहीं है, आप कम से कम अगर 1000 एथलीट का इंटरव्यू लोगे ना तो मिडिल क्लास हर बच्चे की ये कहानी है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक बच्चा, आम बच्चा जब बॉडी बिल्डिंग का इतना बड़ा शो खेलने जाता है, इतने पैसे वो लगाता है, इतना रिस्क वो लेता है, क्या आपका अगर किडनी खराब हो गई या भगवान ना चाहे कोई अंग खराब हो गया वो रिवर्सिबल है? नहीं है। अब देखो अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद कुछ ऊपर नीचे हो जाए, इवन मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ था, मैंने वीडियो डाली थी, मैं कभी भी अपने जो भाई लोगों आपसे कभी कुछ भी नहीं छुपाता हूं, मुझे बड़ा डर लगता है कम्पीट करते टाइम, लेकिन मैं हमेशा हेल्थी रहने की कोशिश करता हूं। जब मैंने कम्पीट नहीं किया था पिछली बार तो बहुत सारे न्यूज के चैनल में मेरे छोटे भाई, उन्होंने मजाक बनाया कि भाई इसने बैकफुट ले लिया है, इवन किसी भी एथलीट ने नहीं खेलता उसको मजाक बनाते, लेकिन एक एथलीट अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है, अपनी बॉडी दांव पे लगा रहा है, अपनी सेविंग्स दांव पे लगा रहा है, अपने पैसे दांव पे लगा रहा है, और उसे जीतने के बाद भी रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, क्या मिलता है? कहां कौन से अवार्ड मिले हैं जो गोल्ड मेडल जीत के गए हैं? क्या कोई से सरकार ने उनकी हेल्प की है? कहीं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं? कहीं उन्हें प्रमोट किया गया है? कहीं उनका सम्मान किया गया? नहीं ना। तो सोचो, समझो, खुद फैसले लो, ये वीडियो अपने माँ बाप को दिखाओ और उनसे सवाल करो, क्या ये आदमी गलत बोल रहा है? मैं गलत बोल रहा हूँ, मानता हूँ मैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, किसी शो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एथलीट की बात कर रहा हूँ। अब बोलो ना, तू भी तो खेला है, मेरी सिचुएशन में और एक 18 साल के बच्चे की सिचुएशन में क्या फर्क है मैं वो बताता हूँ। जब मैं 18 साल का था तो मेरी सोच ये थी कि कैसे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, क्या मैं करूं, मुझे सपने, मुझे भी देखता था, मैं भी देखता था कि मुझे एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, या ये करना है, वो करना है। हो सकता है मेरे को, मेरी शक्ल आपको ऐसी ना लगती हो, लेकिन मैं एक टीनेजर था जब, तो मैं अपने आप को ऐसा ही सोचता था। तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली को मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो मैंने जॉब ढूंढी सबसे पहले, फिट में तब भी था, फिर मैं जॉब ढूंढने के बाद भी मुझे ये लगा कि भाई मैं कर नहीं पा रहा हूं, मतलब जॉब से मैं, फैमिली बहुत मुश्किल से चलती है, तो मैं कहाँ बॉडी बिल्डिंग करूँगा। जब दो पैसे आने लगे और मुझे एक्सपीरियंस हो गया, तब जाके मैं स्टेज पे गया हूँ 2019 में कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कोच अफोर्ड कर सकता हूँ, खाना अफोर्ड कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने बच्चों का खाना छीन के ना खाऊं। तब मैंने कॉम्पिटिशन खेला और तब जाके ये मैं आपके सामने हूँ। और मैंने इससे पहले, मैं कभी बोलता था तो मुझे आप ये बोलते थे कि भाई तू कौन सा खेला है या तेरे पास कौन सा मेडल है, भाई मेडल से मुझे क्या मिला, काम मुझे वही करने जो पहले कर रहा, आगे भी वही करूंगा, मैं खुद को खुद ही बना सकता हूं, समझ रहे हो? अगर यहां पे बात होती देश की, यहां पे बात होती कि आप बॉर्डर पे खड़े हो अपनी फैमिली के लिए, आप बाद में आओगे, ठीक है, तब बात है, लेकिन एक शो के लिए, एक मतलब जुनून के लिए, अपने पैशन के लिए आप फैमिली को तंग करना, अपने आप को हार्म करना, ये छोड़ दो, शुरुआत करो धीरे धीरे। तो इस वीडियो से मेरा मकसद यही था कि भाई जब भी आप कंपटीशन खेलो तो उसको, उसमें जो आप इनपुट डाल रहे हो उससे आपको आउटपुट क्या आएगा, ये हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके माँ बाप उसके लिए सपने देखते हैं, या आप खुद भी अपने लिए सपने देखते हो कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं इसमें मेहनत करूंगा, तरक्की करूंगा, मुझे देश सेवा करनी है तो मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, पुलिस ज्वाइन करनी है, मुझे एक्टर बनना है, बड़े होके मेरे को पैसे कमाने, नाम कमाना है तो मुझे ये करना है, मुझे बाद में ये रिवर्ट मिलेगा,
मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे ये करना है, तो हर एक आपके प्रोफेशन का, आपके लाइफ के एम का एक गोल है जिससे आपको रिवर्ट में कुछ मिलेगा। आपको क्रिकेटर बनना है तो आपके सपने होंगे कि मैं वैसा बनूं, मुझे बाद में आके मेरे माँ बाप का, गांव का, मेरे देश का नाम होगा। तो सबके आदमियों के सपने होते हैं जिसके लिए वो दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं। आप भी सोचो कि अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आप कोई शो खेलना चाहते हो, शो को डिसाइड कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिलेगा? कोई बुराई नहीं है, सेल्फिश बनो, कोई बुराई नहीं है। आप 50,000 रुपीज लगा के एक शो खेल रहे हो, आपने 4-5 लाख रुपए, अगर चलो ये बोलोगे भाई 10 लाख कहां लगते हैं, मिनिमम शुरुआत करते हैं कि 4 महीने की प्रेप के लिए क्या होता है, 4 महीने यानी कि 16 वीक। इंडिया के किसी भी कोच को आप हायर करोगे 15,000 रुपीज सबसे मिनिमम, ठीक है, 30,000 रुपीज डाइट के विद सप्लीमेंट लगा लो, तो 30,000 रुपए 4 महीने तक, 1,20,000, और 1,20,000 में 15,000 रुपए जोड़ दीजिए आप इसके फीस के, तो 1,35,000। अब जो आप यूज करेंगे पीईडी, 50,000 वो पकड़ के चलो, 50,000 वो पकड़े आपने तो आपको कितने हो गए, 1,35+50 यानी कि 1,85। अब आपको फैमिली के लिए आप कुछ करते हैं तो और भी खर्चे हैं आपके, ट्रैवल है, ये है, तो कुल मिला के 2 लाख रुपए आपने प्रेप पे लगाए। अब इस 2 लाख के बाद आप यहां से ट्रैवल करके कहीं खेलने जाओगे 50,000-60,000 रुपए वो, ठीक है, आपने 4 महीने काम नहीं किया, आपका लॉस हुआ वो, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कुल मिला के एक प्रेप आपको जर्नली एक शो के लिए, दिल्ली के लिए या किसी के लिए 3-4 लाख रुपए की पड़ी। अब 3-4 लाख रुपए के बाद आपने अपनी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जिसका कोई विश्वास नहीं है कि कब 19-20 कब कुछ हो जाए। अब वो शो आपने खेला, शो खेलने के बाद आप थर्ड आए, सेकेंड आए, फर्स्ट आए, आपको वो रिकमेंडेशन मिली, आपको 1-2 दिन हाइप मिली, उसके बाद अब वो जो पैसे लगाए थे वो तो आपको नहीं मिले। और इत्तेफाक से ये तो मैं मेडल की बात कर रहा हूं, अगर आपका मेडल नहीं आया, आपने मेहनत की लेकिन आप एमेच्योर हो, शुरुआत है, अभी इतनी फिजिक आपकी नहीं बन पाई कि आप जो पुराने खिलाड़ी है उनको काट दो, तो उसके बाद आप वापस आते हो, आप देखते हो कि ये जो आपने पैसे लगाए थे वो तो गए, मिला कुछ भी नहीं। और इस बॉडी को जो आपने बनाई थी, अगर आपने फोटो शूट कराया था 15-20,000 रुपए, और अगर फोटोशूट नहीं भी कराया है और वो मिस हो गया है, उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद, अभी देख लो मेरे कौन सा आपको फाइबर नजर आ रहे हैं, कौन सा मैं वेंस नजर आ रही है, तो ये 15 दिन तो 20 दिन तो हुए, उसके बाद वो जो बॉडी 100 दिन में या 4 वीक में आपने स्ट्रगल पैसा सब डाल के बनाई थी वो टेम्परेरी थी, सिर्फ उस 1 दिन के लिए। जब 1 दिन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इससे अच्छा आप नेचुरली अपनी बॉडी को हिट करो, अच्छे अच्छे फोटोज खींचो, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अपने कैरियर में ध्यान लगाओ, जो दूसरी चीज आप करते आ रहे हो, साथ में शुरुआत के लिए एक जैसे दिल्ली में बहुत सारे इवेंट अभी हुए हैं, बहुत सारे शो हुए हैं जिसमें रिकमेंडेशन, पैसे, सब चीज मिली, आप उसमें जाओ, वहां खेलो, वहां का एक्सपीरियंस लो, आप नेचुरली भी ले सकते हो उस एक्सपीरियंस को। फीस कितनी होगी, हद मार के स्टेज पे जाने के लिए फीस 2,000-3,000, वो खेलो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, आप दूसरा शो खेलो, तीसरा खेलो, चौथा खेलो, पढ़ाई भी करते रहो, आपका खर्चा भी इतना नहीं हुआ है, नेचुरल डाइट से रहो, उससे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। उसके बाद आप अगर आपको प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर बनना है, तब आप कोच से बात करो और उस कोच की फीस देने के लिए आप काम करो। आप किसी को ये बोलो कि भाई मेरे को कोच कर दो, और आपके पास खुद ही डाइट लेने का बहुत एक छोटा अमाउंट है, तो आप कैसे प्रोफेशनल बनोगे? अब उस तैयारी के लिए, अब आपको जब 2-3 साल हो जाए, आप मैच्योर, आपकी मसल, आप इंटरमीडिएट होने जा रहे हो, आपकी मसल अच्छी बननी शुरू हो गई है, अब आप कोच के हाथ काम करोगे, कुछ आप लोगे, तब अच्छा परफॉर्म करोगे, इधर से जब वो बॉडी बना रहे थे आप इधर से इनकम भी जनरेट कर रहे हो, तो आपके पास एक अमाउंट भी है, आप अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हो, आप अपने उस प्रोफेशन को, आप उस पैशन को फॉलो करने के लिए आप जद्दोजहद करो, लेकिन टाइम पीरियड के साथ। शुरुआत में ही परिवार पे वो बोझ डाल देगा, बॉडी बिल्डिंग करनी है ना भैया, हमेशा सब बोलते आए कि अपने पैसों से करो, ना तो फैमिली को प्रेशर दो और ना किसी बात का उन्हें ये बोलो कि ये आप कर रहे हो, क्योंकि इसमें अगर देखो आप मुझे किसी को भी बताओ
कि क्या हासिल होगा आपको सिवाय खेलने के। मैं बोलता हूँ नेगेटिव भाई, अगर मुझे लगता है मुझे ये चीजें करनी चाहिए, मैं अपने बेटे को भी समझाऊंगा। अब मैं आपके सामने हूं तो मुझे जब लगेगा कि हाँ ये चीजें गलत है तो मैं आगे बोल दूंगा। हो सकता है कि मेरा ही इसे बिजनेस इफेक्ट हो, मैं ट्रेनिंग देता हूं तो उससे वो इफेक्ट हो, मेरे जिम में बच्चे थोड़े कम हो, लेकिन जो दिल में है बात वो है। ठीक है, ओलंपिया, अगर आप देखो हमारे इंडियन एथलीट में बहुत पोटेंशियल है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, लेकिन पोटेंशियल को पुश करने के लिए फाइनेंस लगता है। और ये गेम को रिकमेंडेशन ही नहीं है वर्ल्ड में कहीं भी, प्राइवेट फेडरेशन है, आप समझो एक बिजनेस है। आप भी कोई धंधा खोलोगे तो आप भी प्रॉफिट के लिए ही काम करोगे, ये प्राइवेट फेडरेशन है, ये प्योर बिजनेस है और कोई बुराई नहीं है बिजनेस करना, सब करते हैं। एक दुकान वाला जो परचून की दुकान खोलता है वो दुकान भी इसलिए खोलता है कि ताकि वो कहीं से सामान ले, उस पर 2 रुपए मुनाफे में वो बेचे, बुरा नहीं है बिजनेस। लेकिन आपको समझना है कि आपके लिए वो है फायदे का सौदा, आपके लिए वो है, आप पैशनेट हो, बहुत पैशनेट हो तो भैया बिना कंपीट करे भी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो ना, वो करो। सोशल मीडिया की पावर आपके पास है, आप वो करो, कंटेंट बनाओ, अच्छा करो। देखिए जब तक गौरव भाई कंपीट कर रहे थे जब तक आप भी उन्हें नहीं जान रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे कंपीट करना छोड़ा आज वो इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए, बिकॉज पावर ऑफ कॉन्टेंट, पावर ऑफ सोशल मीडिया, स्मार्ट वर्क, एजुकेटेड। तो आपको स्मार्ट मूव करना है। और ये जो फेडरेशन, कोई भी फेडरेशन, मैं किसी का नाम, मैं किसी को मतलब वो नहीं कर रहा हूं डाउनग्रेड, सब अच्छा कर रहे हैं। फीस है, फीस बनती है, क्यों बनती है भाई, इतना बड़ा स्टेज बाहर से शो लेके आना तो वो प्लेटफॉर्म देना, फीस है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपकी वो पॉकेट अलाउड कर रही है, आपकी फैमिली अलाउड कर रही है, आपका जो आपका बैक, आपकी बैकबोन है या फैमिली में कोई भी आपका इनकम का सोर्स है वो अलाउड कर रहा है, थिंक। और बाद में खेलने के बाद क्या मिलेगा, मान लीजिए अभी इतने सारे एथलीट बाहर खेलने जा रहे हैं, टचवुड हमारा इंडिया के बच्चे या पोटेंशियल एथलीट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये गेम हमारा नहीं, हमने अडॉप्ट किया है। मेरे को भी अच्छा लगता है यार बॉडी बनाना, आप बोलते हो कि क्या बॉडी है, मेरे को स्टेज पे, मैंने भी हार्ड कोर ट्रेनिंग करने के बाद वो बनाई है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं गलत हूं, मैं अपनी गलती मान रहा हूं, मैं तो भाई मेरे को ये लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं थोप नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप सोचो क्या ये सही है क्या ये गलत है, आप सोचो, अपने फैमिली को ये वीडियो दिखाओ, आप उनको पूछो क्या ये सही है क्या ये गलत है। और मैं ऐसे ही करता रहूंगा भैया, जो मेरे को लगेगा पावर, जो पावर है बोलने की, जो छूट दी हुई है आपको भी दी हुई है, मुझे भी दी हुई है, मुझे लगेगा ये गलत हो रहा है तो मैं बोलूंगा, मेरे ओपिनियन में दूंगा। आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप जो करना चाहते हैं वो करिए, जो आपको सही लगता है। तो ये वीडियो पूरी यही मकसद था कि एक आम आदमी, आम बच्चा जो कम्पीट करने जा रहा है, जिसने अपने यार दोस्तों से, परिवार से, माँ बाप से पैसे लिए हुए हैं, घर में पैसे नहीं है और वो खेलने जाता है, और उसके साथ ये ऐसे पीछे एक हादसा होता है जिसमें उसे ये समझ नहीं आता कि अब पैसे किससे लूं, और उसको वो सोच के आता है कि उसको बहुत रिकमेंडेशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, बाद में कुछ भी नहीं मिलता। मैं जब शो मुझे ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग वाला मिला है नीचे, तो मेरी आंखों में पानी था, बिकॉज मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, और मैं, मेरे मन में ये चल रहा है यार मैं क्या कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो समझो, सोचो, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं किसी को नेगेटिव फील नहीं कराना चाहता, ना शो के बारे में मेरे नेगेटिव थॉट है ना, क्योंकि मैं खेला हूं भाई, शो के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पॉकेट आपके अलाउड करती है, क्या आपको इससे बेनिफिट हो। तो एक सच्चा इन्फ्लुएंसर होने के नाते मेरे को सच बताना आपके लिए बहुत जरूरी था। और आपको मेरे से समझ में नहीं आया तो राजवीर सिसोदिया ने 12 बजे वीडियो डाल दी थी, यूट्यूब पे जाके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इसको शेयर करना, किसी मेरी इस वीडियो से किसी बच्चे को अच्छा लगे या उसकी फैमिली को अच्छा लगे और उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, और कुछ स्टूडेंट जो सपने देख रहे हैं कि हम ओलंपिया बनेंगे उनकी आंखें खुले, तो प्लीज ये शेयर करना वीडियो। और बाकी किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं है, ना किसी फेडरेशन को, ना किसी शो को। ठीक है, तो भाई खेलो लेकिन स्मार्ट में, बॉडी को अच्छा रखो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। ये जो भी बोलते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है, भाई पैसे से ही घर चलता है। आप एक रेडी पे भी जाओगे ना, वो आम आदमी भी खड़ा होगा, उसको बोलोगे ना 1 दर्जन केले दे दो तो वो मना कर देगा भाई, क्योंकि पैसे से ही घर चलेगा, पैसा सब कुछ नहीं है, ये बात है, लेकिन तब बोलो जब आपकी पॉकेट में इनफ मनी। आपको बुरी लगेगी बात, लेकिन आप दुकान पे भी जाओगे ना
और बोलोगे भाई मेरे सर में दर्द या बुखार एक टैबलेट दे दो, तो वो भी नहीं देगा, बिकॉज रियलिटी ना। तो सोचो समझो और अपने हिसाब से करो। मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। अगर किसी भाई को बुरी लगी होगी तो हाथ जोड़ के सॉरी, किसी फेडरेशन को बुरी लगी हो सॉरी, लेकिन सच्चे इन्फ्लुएंसर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है सही बात को और सही एक्सपीरियंस को रखना। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने रख दिया, बाकी आप जाने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ ये भी सजेस्ट करना। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपने परिवार का ध्यान रखे और खुश रहे। लव यू ऑल, जय हिंद।